दिस इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश कनेक्शन. गाइस, आप सबकी डिमांड पर मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ये ग्रामर का एक पार्ट है, लेकिन हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में खूब यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इसका नाम क्या है. क्वांटिफायर वर्ड को तोड़ते हैं. लेट्स ब्रेक डाउन दिस वर्ड. क्वांटिफायर बना है क्वांटिटी से. क्वांटिटी यानी कि किसी चीज़ की मात्रा. तो आप समझिएगा कि क्वांटिफायर्स वो होते हैं जो क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं. क्वांटिटी या अमाउंट बताने वाले वर्ड्स या फिर फ्रेजेस. अब आप सोचेंगे फ्रेजेस क्या है, तो आप आगे समझेंगे. अब आप ये समझ लीजिए कि जो भी वर्ड्स क्वांटिटी बताते हैं वो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. जैसे कि ऑल, लिटिल, फ्यू, मैनी, सम, नो, एनी, मच, इनफ, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सभी क्वांटिफायर्स हैं. अब इनमें आप देखेंगे यहाँ तक वर्ड्स हैं, उसके बाद जो दो वर्ड्स के हैं या फिर अ लॉट ऑफ तीन वर्ड्स के हैं ये कहलाएंगे फ्रेजेस. तो वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस जो क्वांटिटी या अमाउंट बताएं वो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. और आप जानते हैं कि आप इनका यूज़ कितना करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं. क्या होती हैं कि हम इसे कैसे और कहाँ यूज़ करें. तो सबसे पहले ये समझिए ये यूज़ कहाँ होते हैं. नाउन के पहले, यानी कि हम नाउन के पहले इसे यूज़ करते हैं. नाउन कोई चीज़ कितनी है ये बताने के लिए, राइट. ये जवाब देते हैं हाउ मच और हाउ मैनी का. ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ कन्फ्यूज़न होती है, कहाँ गलतियाँ होती हैं. डू यू हैव एनी पेंस, ये आप दिन में कितनी बार सवाल करते हैं. डू यू हैव एनी ऑफ दिस, डू यू हैव एनी पेंस, डू यू हैव एनी बुक्स, डू यू हैव एनी प्लेट्स, बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं. तो आप ध्यान दीजिए कि आपने पेंस के साथ एनी का यूज़ किया. उसके बाद जवाब आता है आई हैव नो पेंस, मेरे पास कोई कलम नहीं है. तो यहाँ पेंस के साथ हमने नो का भी यूज़ कर लिया. तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ जाएगा. ठीक है, यानी कि पेंस के साथ हम एनी भी यूज़ कर सकते हैं, पेंस के साथ हम नो भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ पेंस के साथ हम सम भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आगे आप एग्जांपल्स में और भी देखेंगे. देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, यहाँ बुक है, यहाँ पेंस था, यानी ये प्लूरल था या सिंगुलर है. यहाँ भी नो था, यहाँ भी नो है. There is no book on the table. ये भी सेंटेंस ठीक है, मतलब कि टेबल पर कोई किताब नहीं है. तो सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. यही सब चीज़ें जानने वाली हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम सिंगुलर के साथ यूज़ करें या प्लूरल के साथ यूज़ करें. ठीक है, आप समझते जाइए इस चीज़ को. इज़ देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज, अब आपने देखा एनी हमने यहाँ यूज़ किया था पेंस के साथ, जिन्हें हम गिन सकते हैं. और यहाँ मैंने बोला इज़ देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में मिल्क है. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मिल्क को हम गिन नहीं सकते. जो मैंने यहाँ लिख रखा है काउंटेबल नाउंस, अनकाउंटेबल नाउंस, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे. काउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिन्हें नहीं गिना जा सके. ये कैटेगरी भी मैंने बना रखी है. बुक्स को आप गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, कॉइन गिन सकते हैं, फ्रेंड गिन सकते हैं, कार्स को गिन सकते हैं. लेकिन अनकाउंटेबल में वो आते हैं जैसे वाटर, आप नहीं गिन सकते वाटर को, आप ये नहीं बोल सकते वन वाटर. ठीक है, या फिर वाटर्स नहीं बोल सकते. ऐसे ही शुगर को भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है. मनी भी अनकाउंटेबल है, टाइम भी अनकाउंटेबल है, मिल्क भी अनकाउंटेबल है. अब आप सोचेंगे मनी और टाइम को तो हम गिनते हैं, कैसे अनकाउंटेबल है. तो आप इसके लिए मेरी नाउन वाली वीडियो ज़रूर से देखिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अभी के लिए आप समझिए कि मनी और टाइम को हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं. तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अनकाउंटेबल है तो भी हमने एनी यूज़ किया, काउंटेबल है तो भी हमने एनी यूज़ किया. तो ये जो मैंने यहाँ वर्ड्स लिख रखे हैं क्वांटिफायर्स, इसमें कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउंस के साथ यूज़ होते हैं, कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ यूज़ होते हैं, यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो वो आप समझेंगे इस वीडियो में आगे. तो आपको वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहना है गाइस, क्योंकि अगर ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई तो आप परफेक्ट तरीके से लिख भी पाएंगे और परफेक्ट तरीके से बोल भी पाएंगे. अब और सेंटेंसेस देखिए. देयर इज़ सम मिल्क इन अ बोल, अब मान लीजिए आपने ये बोला कि एक कटोरी में थोड़ा सा मिल्क है, तो आपने यहाँ सम का भी यूज़ किया. अब मिल्क के साथ आपने एनी भी यूज़ कर लिया, मिल्क के साथ आपने सम भी यूज़ कर लिया. और मैंने ये भी कहा कि सम का यूज़ हम पेंस के साथ भी कर सकते हैं. तो वही बात आई कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ. तो ये जो वर्ड्स हैं एनी, नो, सम, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होते हैं. अब देखिए देयर इज़ अ लिटिल मिल्क,
या फिर देयर इज अ फ्यू मिल्क. दो चीजें मैंने रखी, इसमें एक सही है. लिटिल का मतलब थोड़ा और फ्यू का मतलब भी थोड़े, लेकिन फ्यू हम यूज करते हैं उनके साथ जिन्हें हम गिन सकते हैं. तो क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे फ्यू इनकरेक्ट है. हम बोल सकते हैं देयर इज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क है. देयर इज अ लिटिल मिल्क, बट हम देयर इज अ फ्यू मिल्क नहीं बोल सकते. तो फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, ये कहाँ यूज होगा? ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ यूज होगा जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, फ्रेंड्स हो गए. तो क्वांटिफायर सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी हैं. अब आप आगे इस वीडियो में सीखेंगे हर एक क्वांटिफायर को किसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चार्ट बनाकर बाकायदा मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एक नज़र उस चार्ट पर डाल लें. और हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा. अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. सो गाइज, अब मैंने आपके लिए बना दिया है चार्ट, जिसकी मदद से आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. येस ऑफ कोर्स, आज तो नहीं होंगे, फ्यूचर में भी कभी अटकेंगे तो एक नज़र इस चार्ट पर डाल लीजिएगा. देखिएगा एक बारी, विद काउंट नाउंस, काउंट नाउंस यानी कि काउंटेबल नाउंस, ठीक है, एंड विद अनकाउंट नाउंस यानी कि अनकाउंटेबल नाउंस. तो काउंटेबल नाउंस के साथ ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं, ठीक है. ये जो है क्वांटिफायर्स, ये काउंटेबल नाउंस के साथ, ये क्वांटिफायर्स अनकाउंटेबल नाउंस के साथ. और यहाँ जो लिखे हैं क्वांटिफायर्स, ये सब के सब दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग. मतलब काउंटेबल है तो भी, अनकाउंटेबल है तो भी. अब देखिए काउंटेबल में क्या है, अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, मैनी हो गया, एवरी या फिर ईच, सेवरल, अ नंबर ऑफ. इवन इसके अलावा भी हैं कुछ, जैसे कि ईदर, नीदर, ये भी इसमें यूज हो सकते हैं, ठीक है. विद अनकाउंटेबल नाउंस, मच, अ लिटिल और वेरी लिटिल, ठीक है, अ बिट ऑफ, ठीक है. क्लियर? तो आप पाएंगे कि अनकाउंटेबल नाउंस के साथ ये तीन ही दिख रहे हैं, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, समझना. अब बोथ में क्या है, एनी, सम, ऑल, प्लेंटी ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, इनफ, मोर या मोस्ट, लेस, नो या फिर नन. तो ये होंगे सबके साथ यूज. एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव अ फ्यू बुक्स. अब बुक्स क्या है, बुक्स को हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3 बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हमने अ फ्यू यूज किया जो कि इस कैटेगरी में है, तो ये सेंटेंस ठीक है. आई हैव अ फ्यू मिल्क. अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, मिल्क को आप नहीं गिन सकते. तो यहाँ पे हमने जो अ फ्यू यूज कर लिया, तो ये सेंटेंस गलत है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ लिटिल मिल्क. लिटिल अनकाउंटेबल में लिटिल आएगा, ठीक है, क्वांटिटी बताने के लिए. मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल वाटर. क्लियर? आई हैव अ फ्यू मनी. अब मनी क्या है, मनी भी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ फ्यू नहीं आता, ये सेंटेंस इनकरेक्ट. क्लियर? आई हैव अ लिटिल मनी. सो मनी बताना है तो अ लिटिल का यूज करेंगे. आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव वेरी लिटिल मनी, इस तरीके से, ठीक है. वुड यू लाइक अ लिटिल टी, आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे. तो टी, मनी, मिल्क, ये सब अनकाउंटेबल है, तो अ लिटिल ठीक है. मे आई हैव अ बिट ऑफ बटर, अ बिट ऑफ बटर, तो बटर भी अनकाउंटेबल है और वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, अ बिट, तो ये भी ठीक है. मेनी बुक्स आर गुड, मेनी बुक्स. अब मेनी क्या है, मेनी हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे मेनी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं. बहुत सारी किताबें अच्छी हैं, मेनी बुक्स आर गुड. एवरी शॉप वॉज ओपन, एवरी शॉप. अब यहाँ आप आएंगे, एवरी हमने इसी कैटेगरी में दिया है जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है. काउंटेबल नाउन में एवरी आता है, लेकिन एवरी या फिर ईच, इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर की आती है. सो एवरी शॉप वॉज ओपन, एवरी शॉप्स वर ओपन नहीं बोलेंगे, ठीक है. भले ही सेंस सभी का है, लेकिन सभी में हर एक की बात हो रही है, यानी कि अलग अलग करके, तो सिंगुलर ही आता है इनके साथ. आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे हमने मच का यूज़ किया क्योंकि ये अनकाउंटेबल है. आई डोंट हैव अ फ्यू मनी नहीं बोलेंगे. क्लियर? अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में कभी भी अटकिएगा इसे देखिएगा ज़रूर. अब हम उन
सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिनमें कि ये क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, राइट? तो सेंटेंसेस के जरिए हम प्रैक्टिस करते जाएंगे. पहला सेंटेंस, ऑल द पीपल वर आस्किंग क्वेश्चंस. तो पीपल काउंटेबल है, ऑल यूज किया हमने, ठीक है. ऑल द वाटर वॉज डर्टी, ऑल द वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है फिर भी हमने ऑल यूज किया, ऑल द वाटर वॉज डर्टी. तो ध्यान दीजिएगा, जब अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, ठीक है. नेक्स्ट, वी हैव नो चेयर्स, चेयर्स काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है. इसके साथ हमने नो का यूज किया, यानी कि हमारे पास कोई भी कुर्सी नहीं है. वी हैव नो चेयर्स. वी हैव नो मनी, मनी अनकाउंटेबल है, यू से अनकाउंटेबल एंड सी से काउंटेबल, ठीक है. मनी अनकाउंटेबल है फिर भी हमने नो यूज किया, मतलब हमारे पास कोई पैसे नहीं है. वी हैव नो मनी. नेक्स्ट, देयर इज सम ब्रेड ऑन द प्लेट. अब ये ब्रेड क्या है गाइस, ब्रेड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ब्रेड को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है. ब्रेड को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं. देयर इज सम ब्रेड ऑन द प्लेट, हम ब्रेड्स नहीं बोलते. I've got some apples. Apples countable है और इसके साथ भी हमने some का use किया, ठीक है. तो आपने देखा कि हमने all, no, some, countable, uncountable दोनों के साथ practice की. Next, do you have any news? अब news क्या है? News s लगा हुआ है, भले ये लगता countable है लेकिन ये भी uncountable है. तो ये चीज़ें अगर आपको ना पता रही हो तो इसे ध्यान में रखते चलिएगा, आगे आपके बहुत काम आएंगे. न्यूज़ अनकाउंटेबल है और इसके साथ हमने यूज़ किया एनी. डू यू हैव एनी न्यूज़, क्या आपके पास कोई समाचार है? नेक्स्ट, आई हैवंट सीन एनी कीज़. मान लीजिए आप पूछ रहे हैं कि चाबियां देखी क्या मेरी? आई हैवंट सीन एनी कीज़, मुझे कोई चाबी वाबी नहीं दिखी. तो कीज़ क्या है? काउंटेबल है और इसके साथ भी हमने एनी का यूज़ किया. अभी सम और एनी को लेके आपको यहाँ नीचे एक टिप मिलने वाली है, जो कि ये है कि सम को हम मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉर्मली क्या होता है कि हम सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और एनी को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है कि आप सम का यूज़ क्वेश्चंस में नहीं कर सकते. यहाँ आप देखिए, जब आप ऑफ़र करते हैं कुछ तो आप पूछते हैं ना, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी. तो ये क्वेश्चन ही है, बट यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया है. तो इस बात को आप याद रखिएगा कि आप वैसे नॉर्मली पॉजिटिव में यूज़ करते हैं सम को, लेकिन जब इस तरीके से ऑफर्स वगैरह देते हैं तब आप इंटरोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, और नेगेटिव में मोस्ट ऑफ द टाइम एनी का ही यूज़ होता है. क्लियर? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डू यू हैव एनी न्यूज़, आई हैवंट सीन एनी कीज़. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. शी हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ का भी मतलब बहुत सारा. सो शी हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स मतलब कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं. फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है फिर भी लॉट्स ऑफ यूज़ किया. वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है, मैंने पहले भी बताया आपको. तो फिर यहाँ भी हमने लॉट्स ऑफ का यूज़ किया, या फिर हम बोल सकते हैं वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा समय है. नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स. Are there enough pencils for everyone? Enough का मतलब पर्याप्त, और यहाँ पे pencils क्या है? Countable है, और इसके साथ हमने use किया enough. क्या सबके लिए पर्याप्त pencils हैं? Are there enough pencils for everyone? ठीक है. Next is, I hadn't had enough sleep last night. Sleep को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल, और इसके साथ भी हमने इनफ का यूज़ किया, मतलब कि पिछली रात, कल रात मुझे अच्छी नींद, पर्याप्त नींद नहीं आई. नेक्स्ट, यू शुड स्पेंड लेस मनी. लेस का मतलब कम, तुम्हें कम पैसे खर्च करने चाहिए, मनी अनकाउंटेबल. नेक्स्ट, लेस पीपल केम दिस टाइम. पीपल काउंटेबल है, गिन सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमने लेस का यूज़ किया. लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकली अगर बात करें, सो ये नोट मैंने लिख रखा है, यूजुअली लेस इज़ यूज्ड विद अनकाउंट नाउंस, यानी कि जैसे हमने मनी के साथ यूज़ किया, तो यूजुअली रूल यही है कि हम अनकाउंट नाउंस के साथ लेस का यूज़ करते हैं. लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में, अब नेटिव स्पीकर्स, इन इनफॉर्मल इंग्लिश इट इज़ यूज्ड विद काउंट नाउंस एज वेल. नेटिव स्पीकर्स इनफॉर्मल इंग्लिश में काउंटेबल नाउंस के साथ भी लेस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला लेस पीपल केम दिस टाइम. अदरवाइज अगर ग्रामेटिकली बात करें तो ये होना चाहिए फ्यूअर पीपल केम दिस टाइम,
फ्यू का यूज करेंगे, उसकी कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर. क्लियर. नेक्स्ट इज मोर पीपल आर कमिंग. मोर का मतलब और ज्यादा. मोर पीपल आर कमिंग, और लोग आ रहे हैं. ठीक है, तो पीपल काउंटेबल है. वुड यू लाइक सम मोर फूड. फूड यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो यहाँ भी हमने यूज़ किया. सो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ मोर का यूज़ हुआ. वुड यू लाइक सम मोर फूड, क्या तुम थोड़ा और खाना लेना चाहोगे. हु हैज़ द मोस्ट मनी, किसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं. द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मोस्ट का मतलब किसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं. मनी अनकाउंटेबल. नेक्स्ट इज हु हैज़ मोस्ट पॉइंट्स. पॉइंट्स जैसे कि कोई गेम है उसमें आप पॉइंट्स जीतते हैं, तो पॉइंट्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो हम इसके साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं. हु हैज़ मोस्ट पॉइंट्स. ओके, सो इस तरीके से आपने इन्हें सीखा जो कि दोनों में यूज़ होते हैं. तो गाइज आई होप कि अब से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ किस तरीके से हम यूज़ करते हैं. नो का, सम का, ऑल का, एनी का, तो दोनों के ही साथ यूज़ हो सकता है. अब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी आपकी. अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट भी. एंड यस, एक काम ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे. आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा. और अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ज़रूरी है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें. और हाँ, अगर ये सभी टॉपिक्स आप लिखा हुआ पढ़कर समझना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, www.englishconnection.online. See you soon in my next video. Bye-bye. Take care. And yes, keep learning.